ममता का अपमान इसी बात ने किया कि मैं सोचकर उनके पास किसी काम से गया। उन्होंने यही कहा, उन्हें वो योगी मोदी से दिया था और अपने काम के लिए योगी मोदी के पास जाओ और अगर हमसे काम कराना है तो माल ले आओ काम होगा। तो उनकी विचारधारा ही पैसा थी और वह योगी मोदी के नाम को चुनाव जीते थे। एक बात वायरल हो रहा है कि कह रहा है कि पुलिस अब आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं मैं उसका तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारे भी सुनने में आया है कि वो अपने स्वजातियों को धमकी दे रहे हैं। कुर्मी और पटेल कुर्मी पटेल और चौधरी अपना आउट हमको नहीं देंगे तो किसको देंगे, लेकिन उनका आसमान का समाज जानता है जिन लोगों ने उनको चुनाव लाया था उनके स्वजातियों ने किसका उन्होंने क्या हासिल किया, किसका उन्होंने कितना अपमान किया और आज इतने अपमान और इतने उसके बाद फिर वह आज चुनाव के दरमियान अपने ही प्रजातियों को उल्टा सीधा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उनके प्रजाति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बात जो होगी वह योगी मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व इस विधानसभा में नहीं है। जिन जिन गाँव में वो अपने नाम से गए वहाँ से उनको वापस आना पड़ा, वहाँ लोगों ने जैसे उन्होंने जलील किया था वैसे ग्रामीणों ने उनको जलील किया, गाड़ी से नहीं उतरने दिया, मुर्दाबाद हुआ। तो आप यह समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को खत्म करने वाला वह व्यक्ति आज पुनः हरियाली आंसू रोके मोदी और योगी की बात कर रहा है। इस योगी और मोदी को वह अपमान के साथ बोलता था कार्यकर्ताओं से कि तुमने योगी मोदी वोट किया कि उससे बात करो और अब चुनाव में यहाँ की जनता यह बता देगी कि योगी और मोदी की सरकार बनाएंगे लेकिन चेहरा तुम्हारा नहीं रहेगा, चेहरा असली भाजपाई का रहेगा। बाधोली का एक कार्यकर्ता है जिसने कहा कि 5 लोगों को हमारे उसके वहाँ चुनाव जाना बाकी है लेकिन मुझे लग रहा है इसका वीडियो वायरल वीडियो मैंने भी उसका देखा है, वह मेरे पास भी आया था है। और उनका यह आचरण और यह व्यवहार सुकमा विधानसभा में सार्वजनिक है, उन्होंने कुलैया के लेबर और मिस्त्रियों को 5 दिन तक खाने में बैठा रखा और बिना पैसा दिए जब उन्होंने पैसे के लिए पत्रकार किया तो उनको जेल भिजवाने का काम किया। वह कारपेंटर भी उसको भी बहुत धमकी दी गई, संभवतः वह परसों मेरे पास आया भी था और वह बहुत भयभीत था। अब वह गाँव विधायक था उनको बुलाया जा रहा है, भैया अगर मेरे पास कोई हादसा आज मैं आपको फोन करूँगा लेकिन भगवान न करें उसके साथ कोई हादसा हुआ हो तो शरीर का पैसा यह विधायक गाँव के जनते भी वापस कर दे उसको दे दे उसका अपना खाना तो यह भगवान का शुक्र होगा। लेकिन उसका आचरण और व्यवहार जितने लोगों ने उसका काम किया सबका उस सबका पेमेंट नहीं रोका, सबको उसने जेल भिजवाया और यह जनता इंतजार कर रही थी कि तुम्हारे सारे अमर्यादित व्यवहार का तुम्हारी वसूली का हम जवाब अब की बार देंगे, वोट योगी मोदी को भी देंगे क्योंकि चेहरा तुम्हारा नहीं नहीं बोल सकते हैं। 10 मार्च के बाद अगर वो मेरे पास आता है वो पैसा नहीं देते हैं तो मैं उससे यही कहूँगा वह कानूनी कार्रवाई करे, उसकी कानूनी कार्रवाई में लिखी जा सकती है। कुछ ऐसे असहाय लोग हैं मुसौर समाज से आते हैं जो इनके वहाँ मकान निर्माण में विद्यालय निर्माण में अंदर का काम करते और इनकी संख्या लगभग 45-47 के करीब है और 15 से 20 हज़ार रुपये इनके जाते हैं पैसे पैसे भी नहीं है कि कार्यक्रम करवा देता है इनके लिए। भाई हम अगर वह आते हैं मदद मानते हैं तो हम उनके हम उनकी कानूनी रूप से मदद करती है वह करेंगे, उन गरीबों का पैसा स्पष्ट आदमी से दिलाया जा सके क्योंकि वह उनकी पूंजी है जिसके वह जिंदा है। तो मैं उन लोगों की मदद करूँगा जो मेरे पास आते हैं हर हाल में उनके साथ खराब उनसे भी करते हैं। भाई जब मैरी गौसदन से विधायक जी ही भूखा उठवा के अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं मैं गौ सेवक हूँ तो हम उससे क्या कर सकते हैं। व्यवस्था उनकी है, इतना बड़ा घोटाला हुआ उस घोटाले के पीछे कई रुपये या और इसके लोग शामिल थे लेकिन उसमें अधिकारी लप गए और उन्होंने दबाव बना के अपने लोगों को सुरक्षित कर लिया। बना दिया
अपनी व्यवस्था है, हमको लगता है वो सबका भी काम कराया जा रहा है, किसी को कोई आपकी लाइब्रेरी वाला यह सब पड़े जिनके लिए शासन से मुक्ति मांगी गई है। मैं खुद जब बाहर आया था तो मैं पानी में जाके देखा था, मोटरसाइकिल से गाँव में दौड़ा था और रात को रात वहाँ का रास्ता यही कहूँगा कि विधायक जी को सुषमा के विकास से, सुषमा की जनता से कोई मतलब और वास्ता नहीं है। आज अगर वह अपने विधायक जी का पैसा बचा के रखे रहते, उसको महाराज के अपने विद्यालय की वोट बनाने में नहीं लगाए रहते तो संभवतः वह मंत्री नहीं पा जाता, वह पूर्ण के विधायक जी से तैयार हो जाता। इसलिए यह हम सभी का दुर्भाग्य है, सुषमा विधानसभा का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोगों ने चुनाव जिताया, उसने सिर्फ वसूली किया, सिर्फ पैसे का दिल था। आप लेबर मिस्त्री की बात कर रहे हैं, आप व्यापारियों को वहाँ बैठे तब आपको अंदाज मिलेगा कैसे इसने बालू लिया है, कैसे रोड बनाने वाले ठेकेदारों से मिलीजुल लिया है, कैसे अधिकारियों को धमका के मिले सरिया लिया है, कैसे प्रधानों के ऊपर जगिया कर लगा के 12 टन 18 टन सरिया लिया है, 100 गोली 200 गोली सीमेंट उनके वहाँ पर्ची ही चलती है। आज जो लोग उनके साथ हैं वही एक जमाने में उनसे कहा करते थे, विधायक जी ने कहा है कि 80,000 का पेमेंट है सरिया और उसका, आज वह सम्मानित पद पे हैं। तब वह रोया करते थे कि अगर जी हमको चाहिए, या विधायक हमसे जो कह रहा है कि हमारे मकान में या सामान लगा उसका भुगतान आप कीजिए। उसने जितनी जाप्ती किया है उसका जवाब सुषमा विधानसभा की जनता देने को तैयार है। आप सत्ता में लौटे जी कि इतने भ्रष्टाचार के इतने आरोप आपको भी ना रहे हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, जांच होगा, तहसील एडी जी लेकर चले गए? भाई देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता का भाई हूँ। बुलडोजर चलना चलाना यह जांच की प्रक्रिया है। हाँ मैं यह जरूर कहूँगा कि इनके खिलाफ मैं जांच के लिए फोरम होगा उस पर मैं कहूँगा एक जनप्रति ने सरकारी जनता को चूक किया है, एक जनप्रति ने जनता को सोचा है, व्यापारियों को लूटा है, अधिकारियों से वसूली करके उसने अधिकारियों से जनता का शोषण कराया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं हमेशा संघर्ष करूँगा। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, आप देखिए वह रोज धमकी देते हैं 10 मार्च खत्म होने दीजिए, और मैं आपने ऐसा प्रदर्शन किया तो मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से जवाब देता हूँ कि 10 मार्च आप खत्म हो जाने दीजिए। 10 मार्च के बाद आपकी जो जांच होगी वह आपका इतना घृणा चेहरा खड़ा करेगी, आपकी वह रजिस्ट्री, आपका किसान का पिता होने की वो नौटंकी, वो होकर के रोने की नौटंकी चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद जनता को सुनाने का काम जो आपने किया है, और आपकी जाँच के बाद कि आप ही रोएंगे और यह जनता आपको बुलाएगी। भाजपा जांच राजनीति करते हैं, बहुत सेवा कर्मचारी जो उसमें थे, तमाम मेरी यहाँ जो आज भूखे मर रहे हैं, 3-4 लोगों से आज ही हमारी बात हुई, उन लोगों ने उन लोग इतने डरे सामने आए कि उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे करोगे, कैसे उन लोगों को आप बोल देते हैं? भाई देखिए, यही तो उन्होंने किया। आज वह वोट मांगने जाते हैं, गाड़ी से उतरते ही अगर कोई सामने पड़ गया तो पहली भाषा उनकी होती है 10 मार्च के बाद उनको रेलर, वह धमकी दे के वोट ले रहे हैं, योगी मोदी के नाम पे रो रहे हैं। हमारे पास अगर वही बातें हैं तो मैं उनकी भी मदद तैयार हूँ, कौशलों के कई कर्मचारियों की मदद से कराया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सामने आए, अगर लड़ना है तो सामने आवे, आज मैं उनसे लड़ रहा हूँ, मैं उनके सामने खड़ा हूँ, वह रोज धमकी दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, हमारे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन तो समय का इंतजार कीजिए। गंदे आदमी का आचरण, भ्रष्ट आदमी का आचरण यह जनता 3 मार्च को अपनी खबरी में बता देगी कि जनता को विधानसभा में भ्रष्ट और बेईमान विधायक नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज इतनी बड़ी सेना लेके मैं चल रहा हूँ, जनता का प्रत्याशी होके मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ हर गांव में लोग हैं, हर गांव में मैं चल रहा हूँ, और लोग विश्वास रख करें कि हम 5 साल भी चल रहे हैं और आगे 5 साल हम जनता के लिए लड़ेंगे, तब भी हम जनता के लिए लड़ेंगे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है,
नहीं है, है तो उनके कर्मी से है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो जनता का शोषण किया, जो कोटेदार प्रधान को भड़काया, यह सभी लोग उनको 3 मार्च को उसका कारा जवाब देने वाले हैं। और मैं जो उनसे पीड़ित है मैं उन सबसे कहूंगा, आप निडर होइए, सामने आइए, आपके न्याय के लिए यह अजय श्रीवास्तव लड़ेगा, आपका यह बेटा, आपका भाई आपके साथ है। लोगों को यह भी उम्मीद नहीं है कि जो विधायक जीते वो फिर जन आएगा, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी बनी हुई है कि लोग जीतने के बाद लोगों के पास नहीं आते, इसलिए और भी लोग अपनी कमी रह पा रहे हैं, तो क्या करें बिहार जीतने के बाद। सुषमा विधानसभा की जनता का हम सबका जो भाग्य है, सुषमा विधानसभा में हमेशा प्रयोग किया जाता है, बाहर के लोग आके चुनाव लड़ते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो यहाँ रहेंगे, लेकिन आज जनता को विश्वास है कि मैंने पूरे 15 साल मैंने जनता की सेवा किया है, जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। जब इस गौरा में बाढ़ आई थी तो पानी में आने वाला पहला आदमी अजय श्रीवास्तव है, हथियार बटवाने वाला पहला आदमी अजय श्रीवास्तव है, लेखपालों को गांव के गांव में भेजने वाला उस बाढ़ में अजय श्रीवास्तव है, आपदा विपदा में हमेशा खड़ा रहने वाला जानदार अजय श्रीवास्तव है। जनता यह विश्वास कर रही है कि जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता करते हैं, और जब यहाँ पे सुषमा का कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा तो 5 साल वैसे ही रहेगा जैसे मैं 15 साल रहा हूँ। भाई साहब, आज 10 साल से मेरा मकान चलने क्योंकि बना हुआ है, रामत्ता किसकी बनाई जा रही है, मुख्यालय का रहने वाला हूँ, चुनाव में मेरी छुट्टी है, आप मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 25 साल से तो अगर मुख्यालय और चमनगंज से आदमी को बाहर कहा जाएगा तो जो अपना पैसा ले जाके लखनऊ में लगा रहा है, महाराज के लिए लगा रहा है, वो यहाँ का कहा जाएगा, जिसको सुषमा की जनता से मुंह नहीं, वो यहाँ का है। आप पत्रकार हैं और पत्रकारों को भी उनके द्वारा धमकाया जाता है, ऐसे में क्या करेंगे भाई। हम तो पत्रकारों से भी निवेदन किए थे कि आप लोगों ने मुझको अध्यक्ष बना रखा है, आप उनके खिलाफ अपोजिशन कीजिए, मुकदमा मैं चलाऊंगा, कार्रवाई मैं चलाऊंगा, लेकिन आप लोग कैसे पूरा कर लेते हैं। आवश्यकता नहीं है कि मैं बाहरी हूँ कि यहाँ का हूँ, 15 साल की जनता देख रही है, जनता यह जान रही है कि मैं कहाँ का हूँ। और आपने गलत कहा कि जीरो ग्राउंड पर लोग सामना चला रहे हैं, जीरो ग्राउंड से गाँव में आदमी यह जानता है कि अजय श्रीवास्तव का घर चमनगंज है, और रोज सवेरे आदमी आके देख रही थी, जब भी मैं रहता हूँ तो सैकड़ों की संख्या में लोग मेरे पास रहते हैं। मुख्यालय को मैं पत्रकार हूँ, मुख्यालय को मेरा ऑफिस है, मुख्यालय को मेरा घर है, जिला मुख्यालय का आदमी बाहर होता है, लेकिन मैं तो चमनगंज के आज 15 साल से रह रहा हूँ। नौवा और मुछिया और 2 तारीख को जनता बताएगी, वह सुषमा के गुनाह है, वह सुषमा के गुनाह है, वह किसके दामाद है चौदह में, वह पूरी जनता के बारे में बताएंगे। वह बदखलीस टाइप के व्यक्ति है, अमर्यादित टाइप के व्यक्ति है, वो रिश्ता भी नहीं जानते हैं कि वो कहाँ करना है, वह मंचों से करते मैं सुषमा का गुनाह हूँ, सुषमा का जन सुषमा की जनता यह बताएगी कि गुनाह का पैर भी पीला जाता है, उसमें भी पीला जाता है, अब सुझा रहे हैं वो, अगर वो गुनाह है तो मुर्दाबाद और गाजीपुर सुन रहे हैं गाँव में, क्यों गाँव में चोरी चोरी जा रहे हैं, क्यों गाँव में जाके क्यों वह गाँव में जाके योगी योगी का रुला रो रहे हैं, क्यों वो गमछा ऐसे लपेट के रुला नहीं कर दे रहे हैं, अरे वह नौटंकी करते हैं, वह बहुतिया है, जनता उनको जानती है कि हरियाली आसूरी में सबसे महारथी व्यक्ति है विधानसभा। हाँ ये वह कर सकते हैं, उनको भगवान है कि भाई उनको समझना चाहिए, मैं उनसे पीछे हूँ तो वो भाई क्यों बने, अगर मैं करवा रहा हूँ वो पैर समा सुखाई उन्होंने दिया, क्यों मंडी में तो भागा कहा रहता है समाज को कर दिया, नवनिया बच्ची उन्होंने किया तो नवनिया वाली बच्ची को किया, हर
सारे पत्रकी का विरोधी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, अंतिम में क्या कर देते हैं? भाई देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है और जो लोग डर रहे हैं वह डर ही यह बताता है कि वह 3 तारीख को निधन होने वाले हैं और विधायक जी का भ्रष्टाचार इस विधानसभा से दूर होने जा रहा है। आदमी डरा है कि बदला लेगा, वह जितना धमकाएंगे उतना जनता तेज होगी, क्योंकि जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वह आदमी धमकी दे रहा है। तो जनता समझ रही है, उसका महत्व जवाब देगी। मैं तो चाहता हूँ कि वो पुलिस लगा के हमको पिटवावे, मैं तो चाहता हूँ वह जनता को ऐसे ही बदतमीजी से बात करते रहे। जनता उनका महत्व जवाब देगी। वह धमकी देते हैं, वह धमकी देते हैं जनता को, वोट मांग रहे हैं योगी मोदी के नाम पे। उनको याद नहीं आता है कि वो जनता देखी उसे नहीं है, उन्होंने कहा मार दोगे तो काम करूंगा, चाहे तो वोट दिए योगी मोदी, जाओ योगी मोदी से दो। कहां गया उनका सिद्धांत? क्यों योगी मोदी कर रहे हैं, क्यों रहे हैं योगी मोदी? भाजपा की विचारधारा को उस व्यक्ति ने खा गया, वह व्यक्ति भाजपा की विचारधारा को खत्म कर दिया, भाजपा के लोगों को खत्म कर दिया, उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जिलाध्यक्ष के द्वारा नहीं किया जाता है। और मैं पार्टी को बचाए रखने के लिए, पार्टी की विचारधारा को बचाए रखने के लिए मैं 6 साल नहीं 7 साल के लिए निकाल दिया जाऊं तो मुझको कोई उसका फर्क नहीं है, क्योंकि मैं उसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। विचारधारा नहीं बदली जाती है, पार्टी नहीं बदला जाता है। और मैंने भाजपा के प्रत्याशी के चुनाव में पर्चा भरा है तो स्वाभाविक है इसका असर मैं जितने भरा उसी मैं ज्यादा से मैं निष्कासन हो गया, उस निष्कासन से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप विलय कब हो गए कैसे हो गए? जनता तय करेगी, जनता वोट देगी, जनता चुनाव जिताएगी, फिर जनता यह निर्णय करेगी कि विलय कहाँ होगा, कौन पेंशन देगा, कौन जो है जनता को सुविधा देगा, कौन गाँव को दोनों गाँव का खाता पहुंचाएगा, वो जो जनता तय करेगी। आज जनता का प्रत्याशी नहीं, आज जनता का 10 मार्च के बाद